हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आज फिर मैं एक नया ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा CBR 650R के बारे में, जो फाइनली इंडियन डीलरशिप के यहाँ पे आ गई है, और उसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, माइलेज, इन सभी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि न्यू होंडा CBR 650R में क्या है नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले होंडा CBR 650R के अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमें 7.70 लाख रुपीज़ है जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और जो होंडा CBR 650R है वो मिडिल वेल्ट फुल्ली फेड मोटरसाइकिल है जो होंडा CBR 650F की जगह पे रिप्लेस की गई है। अगर मैं होंडा CBR 650F के अगर कलर ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो जो होंडा CBR 650F है वो 2 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है, इसमें से फर्स्ट कलर ग्रैंड प्रिक्स रेड कलर है और जो सेकेंड कलर है वो मैट गन पावर ब्लैक मेटालिक कलर है। और फ्रेंड्स, अगर मैं होंडा CBR 650F के अगर इंजन के बारे में बात करूँ तो ये 649cc 4-सिलेंडर इंजन के साथ आती है और ये 88.4 bhp का पावर से लेकर 11,500 rpm जनरेट करती है और 16.1 lm का टॉर्क से लेकर 8,000 rpm जनरेट करती है। और मैं न्यू होंडा 650R के अगर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये हमें स्लीपर क्लच और होंडा ट्रैक्शन कंट्रोल यानी होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम के साथ आती है। और अगर मैं होंडा CBR 650F के अगर राइवल के बारे में बात करूँ तो जो इसकी राइवल है वो फर्स्ट सुजुकी की GSX 750 है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 7.40 लाख रुपीस है, और जो सेकंड राइवल है वो कावासाकी की Z900 मॉडल करके है और उसकी एक्स शोरूम प्राइस 7.70 लाख है, और थर्ड भी कावासाकी की निंजा 650 है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 5.89 लाख रुपीस है। और फ्रेंड्स, होंडा CBR 650 के बारे में इतनी डिटेल्स थी, और जल्दी मैं इसके लिए नया वॉक अराउंड वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे चैनल के हर आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।